हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पर। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीपीएससी पीसीएल 2019 का विज्ञापन आयोग द्वारा जारी कर दिया गया है। जी हां, इस समय की बड़ी खबर आप लोग के सामने यही आ रही है कि यूपीपीएससी 2019 का विज्ञापन, सिर्फ 300 पदों का विज्ञापन निकाला गया है। तो चलिए देखते हैं पूरी डिटेल्स क्या है, कौन सा पद हैं, सारी जानकारी हम यहाँ पर देते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, इसी तरह के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम वैकेंसीज की बात कर लेते हैं, कितनी वैकेंसीज हैं। तो प्रेजेंटली द नंबर ऑफ वैकेंसीज फॉर स्टेट यानी कि यूपीपीएससी के लिए 300 पद हैं, और स्पेशल रिक्रूटमेंट के लिए 9 पद हैं। यहाँ पे असिस्टेंट कंजर्वेटर एंड फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर सर्विस एग्जामिनेशन, द नंबर ऑफ वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट के लिए 2 पोस्ट हैं, एंड रेंज फॉरेस्ट के लिए 53 पोस्ट हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, कुल मिला के ग्रेड पे आपका 4600, 5400 अलग अलग भर्तियों के लिए 4200 है। यहाँ पे देखिए पद कौन कौन से हैं, डिप्टी कलेक्टर के हैं, आपका ऑफिस असिस्टेंट कमिश्नर हैं, BDO हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं DSP हैं, आपका ऑफिस असिस्टेंट कमांडेंट होमगार्ड हैं, ट्रेजरी ऑफिस अकाउंटेंट हैं, ट्रेजरी के कैन आपका कैन इंस्पेक्टर हैं। यहाँ पे अलग अलग पद हैं, देखिए बहुत सारे पद हैं यहाँ पे, ऑफिस घुस काफ़ी ढेर सारे पद हैं यहाँ पे। यहाँ पे देखिए पे स्केल अलग अलग दिया है, असिस्टेंट कंजर्वेटर के लिए 1,56,000 से 15,600 से 39,100 तक, ग्रेड पे 5400 है, लेवल 10 है, पे मैट्रिक्स आपका B है ग्रेड, और गजेटेड ऑफिसर की है। यहीं पे रेंज के लिए है, रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर के लिए भी 9300 से 34800 है, ग्रेड पे 4800 है यहाँ पे, और यहाँ पे लेवल आप 8 है, यहाँ पे गजेटेड ऑफिसर है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिपार्टमेंट फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए क्या क्या चाहिए, हम अभी यहाँ पर बात कर लेते हैं अलग चीज़ के लिए। लिए एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे आप देख लीजिए कि कितना आपको देना पड़ेगा। यहाँ पे जनरल OBC के लिए यहाँ पे टोटल मिला के 125 रुपये हैं, SC तथा ST के लिए यहाँ पे 65 रुपये है, हैंडीकैप के लिए 25 रुपये है। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं, आगे हम बात करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिजर्वेशन आपको जो मिलता है वही मिलेगा अभी तक। यहाँ पर 10% जो है आप इनके लिए, जो कि सामान वर्ग के EWS के अभ्यर्थी हैं, उनको मिलेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अलग अलग डिग्री के लिए देखिए, सब रजिस्ट्रार असिस्टेंट के लिए है, लॉ ग्रेजुएट होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट बैंक शिक्षा अधिकारी के लिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कैन सुपरवाइजर के लिए एग्रीकल्चर ग्रेजुएट होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर के लिए कॉमर्स ग्रेजुएट होना चाहिए, असिस्टेंट आपका कंट्रोलर के लिए लीगल मेजरमेंट के लिए यहाँ पे डिग्री साइंस होना चाहिए, फिजिक्स या इंजीनियरिंग, असिस्टेंट लेबर के लिए आपका सोशियोलॉजी इकोनॉमिक्स एज ए सब्जेक्ट और कॉमर्स या लॉ होना चाहिए आपका, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के लिए आपका डिग्री इन सोशियोलॉजी सोशल साइंस और होम साइंस होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन ऑफिसर के लिए यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपकी सोशियोलॉजी सोशल वर्क में होना चाहिए। वहीं पर अलग बात करते हैं इसके अलावा, तो यहाँ पे अलग देखिए, तो यहाँ पे डिजाइन ऑफिसर के लिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन केमिस्ट्री या अलग अलग आपका होना चाहिए, स्टैटिकल ऑफिसर के लिए पोस्ट ग्रेजुएट, देखिए स्टैटिकल ऑफिसर सर यहाँ पे भी भर्ती निकली है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन मैथमेटिक्स और मैथमेटिक्स स्टेटिक्स और स्टेटिक्स एग्रीकल्चर फ्रॉम यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज बाई लॉ इन इंडिया और इक्विलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज बाई द गवर्नमेंट। यहाँ पे देखिए स्टैटिकल ऑफिसर के लिए यहाँ पे अलग से निकली है, तो यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट मैथमेटिक एंड मैथमेटिकल स्टैटिक्स और स्टैटिक्स एग्रीकल्चर स्टैटिक्स अलग अलग स्टैटिक्स में इनका पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए, लेबर इन्फोर्समेंट के लिए आपके पास यहाँ पे बैचलर डिग्री इन कॉमर्स या सोशियोलॉजी और कॉमर्स पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री लेबर आदि वेलफेयर के लिए आपके पास डिग्री होनी चाहिए। वहीं डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर के लिए यहाँ पे BSc होनी चाहिए, BSc एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में होना चाहिए आपके पास, डिग्री होनी चाहिए। वहीं एक्सटेंशन सर्विस के लिए BSc आपका 15 महीने का कम से कम पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए। वहीं पहला के लिए बात करें टेक्स्ट
टैक्स असिस्टेंट ऑफिसर के लिए डिग्री इन कॉमर्स और इकोनॉमिक्स विद कम से कम 55% होने चाहिए। लॉ ऑफिसर के लिए आपको बैचलर डिग्री इन लॉ में होना चाहिए। अलग से एज रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया गया है। लॉ ऑफिसर के लिए ग्रेजुएट इन काउंसिल बार 5 ईयर का प्रैक्टिस होना चाहिए कम से कम। मार्केटिंग इंस्पेक्टर के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, मार्केटिंग इंस्पेक्टर की बात करते हैं तो ग्रेजुएट एग्रीकल्चर और इकोनॉमिक्स साइंस कॉमर्स किसी में आप इन सब में ग्रेजुएट होना चाहिए मंडी परिषद में। वहीं अकाउंट एंड ऑडिट ऑफिसर के लिए कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी होना चाहिए। 5 ईयर आपकी एक्सपीरियंस होनी चाहिए। सीनियर सुपरिटेंडेंट के लिए आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए एग्रीकल्चर या साइंस में और CCC आपके पास होना चाहिए। और वहीं पे वेटरनरी एंड वेलफेयर के ग्रेजुएट होना चाहिए आपके इसी कोर्स में। क्वालिफिकेशन कैंडिडेट मस्ट बी मेंशन इन देयर यस, आपको क्वालिफिकेशन मेंशन करना पड़ेगा। प्रीफ्रेंस ऑफ क्वालिफिकेशन के लिए आपका यहाँ पे ही देना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ चीज़ों के लिए आपका फिजिकल भी मांगा गया है। फिजिकल स्टैंडर्ड जैसे कि आपको अलग अलग जैसे कि असिस्टेंट कन्वर्ट आपका कंजर्वेटर और फॉरेस्ट के लिए यहाँ पे फिजिकल मांगा गया है तो आपको फिजिकल ये क्राइटेरिया पूरा करना पड़ेगा। वहीं देखिए फिजिकल फिटनेस असिस्टेंट कंजर्वेटर फॉरेस्ट के लिए होना चाहिए। एज लिमिट वही 21 से 40 वर्ष दी गई है और अदर कैटेगरी के लिए जो छूट दी गई है वो है यहाँ पर। वही सब इम्पॉर्टेंट अबाउट कैंडिडेट यहाँ पे कुछ फैक्टर हैं यहाँ पे दिए गए हैं। इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट दिए गए हैं जो कि आपके लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं, जो जो महत्वपूर्ण चीज़ें हम आपको यहाँ पे बताए दे रहे हैं। यहाँ पे आपका देखिए यहाँ पे DSP के लिए क्या आपकी जो क्राइटेरिया है वो 165 हाइट होनी चाहिए। चेस्ट 84 और 89 डिफरेंट होना चाहिए। शेड्यूल कास्ट के लिए यहाँ पर अलग अलग छूट दी गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग पोस्ट के लिए जनरल इंस्ट्रक्शन सिंपली है, इसमें से कुछ खास नहीं है आपका। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। 300 पद निकले हैं इस बार, समस्या यही है कि ज़्यादा पद नहीं निकले हैं अन्य के मुकाबले। यहाँ पे देखिए आपका जो यहाँ पे पेपर की बात हो गई है पेपर पैटर्न की, तो प्रीलिम्स में आपको 2 पेपर होंगे, एक GS के होंगे और जिसमें कि आपके 100 और 150 क्वेश्चन होंगे, जिसमें कि आपको फर्स्ट पेपर क्वालिफाइंग हो, फर्स्ट पेपर में के बेस पे आपको मेरिट बनेगी और सेकंड पेपर आपका क्वालिफाइंग होगा जिसमें कि आपको 33%। मेंस में आपके कितने पेपर होंगे, कंपलसरी हिंदी रहेगी जिसके 150 नंबर की रहेगी। उसके बाद जनरल स्टडीज़ का फर्स्ट पेपर रहेगा, एसे का 1 पेपर रहेगा 150 का, जनरल स्टडीज़ के 4 पेपर रहेंगे आपके 200 मार्क्स के। तो यहाँ पर आपको यहाँ पे कंपलसरी सब्जेक्ट आज है जनरल हिंदी ऐसे जनरल स्टडीज आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पेपर यहाँ पे पेपर सेल भी। तो यहाँ पे ऑप्शनल सब्जेक्ट आपके पास क्या क्या हो सकते हैं, एग्रीकल्चर, जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी है, फिलोसफी है, जियोलॉजी है आपका, साइकोलॉजी है, बॉटनी है, लॉ है, एनिमल आपका हस्बेंड्री है, यहाँ पे वेटरनरी साइंस है, स्टेटिक्स है, मैनेजमेंट है, पॉलिटिकल साइंस है, हिस्टोरी है, एंथ्रोपोलॉजी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैकेनिकल है, इलेक्ट्रीशियन, उर्दू, कॉमर्स है, पब्लिक मेडिकल साइंस। तो यहाँ पे अब एक चीज़ बड़ी घटना यहाँ पे घटी है, देखिए डिफेंस एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट को यहाँ पे हटा दिया गया है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ऑप्शनल सब्जेक्ट में डिफेंस को हटा दिया गया है और सोशल वर्क को हटा दिया गया है। तो एक झटका उन अभ्यर्थियों के लिए जो काफ़ी साल से तैयारी कर रहे हैं, अब उनको एज अ सब्जेक्ट इसमें से कोई भी रखना पड़ेगा, जो कि इनके लिए काफ़ी अब समस्या है। इनके लिए पूरी तैयारी फिर से करनी पड़ेगी। ये पूरा IAS पैटर्न का आप दे दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रत्येक पेपर का सिलेबस यहाँ पर डिटेल में दिया गया है। आप देख सकते हैं एलिमेंट्री सब्जेक्ट का, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारा जो सिलेबस है डिटेल्स में इसी विज्ञापन में दिया गया है। तो आप देख सकते हैं, आप अपने हिसाब से चीज़ों को देख सकते हैं। तो ये रही आपके लिए अपडेट। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। थैंक यू वेरी मच।